दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में अशोक कुमार पांडे अध्यक्ष तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफ उमर खान निर्वाचित हुए। चुनाव परिणामों की घोषणा होते ही समर्थक अधिवक्ताओं ने विजयी प्रत्याशियों को फूलमालाओं से लाद दिया। मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से आरंभ हुई। सभी प्रत्याशियों के सामने बैलेट बॉक्स खोलकर मतपत्रों की बंडलिंग की गई, जिसके बाद मतगणना शुरू की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार पांडे को कुल 497 वोट मिले तो मंत्री पद पर आनंद श्रीवास्तव 467 मत पाकर विजयी हुए। वहीं जब बात करें वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की तो सैफ उमर खान 618 मत प्राप्त कर विजयी हुए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों पर अरुण कुमार पांडे 614 मत तथा स्वप्निल यादव 596 मत पाकर जीते। सब मंत्री के 3 पदों पर शशिकांत पांडे 708 मत, ब्रजलाल यादव 665 मत तथा रामनारायण राय 547 मत पाकर विजयी हुए। सबसे पहले कोषाध्यक्ष ऑडिटर पदों की मतगणना आरंभ हुई। ऑडिटर पद पर सुभाष चंद्र विश्वकर्मा 978 मत और कोषाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र जायसवाल 869 मत पाकर विजयी हुए। वरिष्ठ कार्यकारी के 6 पदों पर अरुण कुमार यादव, इंद्रजीत यादव, देवनंदन यादव, रमाशंकर यादव, राहुल श्रीवास्तव तथा श्रीराम पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कनिष्ठ कार्यकारी के 6 पदों पर अजय कुमार यादव, प्रतीश कुमार राय, प्रहलाद सिंह, मारुत कुमार पांडे तथा मोहम्मद महताब फारूकी निर्विरोध निर्वाचित हुए। दीवानी बार एसोसिएशन चुनाव अधिकारी ब्रिजेश कुमार सिंह ने चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए सभी अधिवक्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने सभी भाइयों को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं और जितने मेरे बड़े हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अधिवक्ताओं को सम्मान मिले। अधिवक्ताओं के मान के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। दूसरी प्राथमिकता होगी कि नौजवानों को और महिलाओं को उचित व्यवस्था हो बैठने की, और उनको कार्य करने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब। फिर तीसरी हमारी है कि पुस्तकालय को दुरुस्त किया जाए और यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, और अन्य जितनी भी समस्याएं होंगी, जितने भी तरह से जिससे अधिवक्ताओं का हित होगा, उन सब के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। मुझे साथ बहुत अच्छा मिला है। मेरे सीनियरों ने और मेरे सब अधिवक्ता बंधुओं ने काफ़ी मुझको सहयोग किया, और इसका श्रेय जो है सारे मेरे सीनियर्स को जाता है और मेरे शुभचिंतक और पिता समान रामस्वत राय एडवोकेट साहब हैं, हीरा यादव भैया हैं जो है, इन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किया। जो एनबी राय भैया हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया जो है, इनका मैं आभारी हूँ। और दिल से जाति समीकरण की बात आ रही थी तो नहीं, हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ सभी जाति के लोगों ने वोट दिया है। सारी चीज़ें उनकी ध्वस्त हो गई हैं जो है। जनरल वोटिंग हुई है मुझको, सभी ने बहुत अच्छे से वोट किया है और मैं हमेशा अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा।